अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हम आपको नॉर्थ कराची की एक ऐसी दरगाह की ज़ियारत करा रहे हैं जो बहुत ही आला रुतबे वाले वली अल्लाह हैं और बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नाज़रीन, आज हम आए हैं हज़रत सैयद शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह की मज़ार शरीफ पर। आपकी मज़ार ज़ेरे तामीर है और जब यह मज़ार शरीफ बनकर तैयार होगी तो नॉर्थ कराची की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मज़ार कहलाएगी। आपका नाम हज़रत बाबा सैयद शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका सिलसिला चिश्तिया है। उर्स मुबारक 5-6-7 रजब को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर महीने की 5 तारीख को आपकी मज़ार शरीफ पर लंगर आम होता है। देख रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गुंबद है और अंदर से इसका व्यू आपने देखा कितना प्यारा लग रहा है। और नाज़रीन ग्रामी, इस मज़ार शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा लंगर खाना भी बनाया जा रहा है और मुसाफिर खाना भी है जहाँ पर ज़ायरीन आकर क़याम करेंगे, रुकेंगे। और आपको बता दूं कि ये मज़ार शरीफ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान 7D डिस्को मोड़ नॉर्थ कराची में वाक़ है। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी मज़ारात है जिनकी हमने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर जितनी भी मज़ार आते हैं वो आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन सारी मज़ारात का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और जो कार्ड लगा होगा हमारे चैनल पे उसके ज़रिए भी आप मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की मज़ारात देख सकते हैं। हज़रत शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह की मज़ार पर आने से जिस्मानी बीमारियां दूर होती है। अगर आप पर आसेब है, नज़र बंद है, जो भी है वो सारी आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हज़रत शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर आने से आपके दिल को सकून मिलेगा, रूह को ताज़गी मिलेगी और अगर आप यहाँ पर कोई मन्नत मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। ये नीचे सीढ़ियों से हज़रत शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरवाज़ा है, मगर ये दरवाज़ा बंद है इसलिए हम आपको पिछले रास्ते से ज़ियारत कराएंगे क्योंकि मज़ार शरीफ ज़ेरे तामीर है और इसको अभी लॉक किया गया है, मगर पीछे की तरफ से रास्ता खुला हुआ है, वहाँ से हम आपको ज़ियारत कराएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे क्योंकि मज़ारात पे जाने से सबकी दिली मुरादें पूरी होती है और मज़ार पर वही लोग जाते हैं जो आशिकाने वली अल्लाह होते हैं और जो परेशानियों में घिरे होते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मज़ार शरीफ ज़ेरे तामीर है, ये रोज़े मुबारक का अंदरूनी मंज़र है और ये जो सामने आप वाइट देख रहे हैं ये हज़रत सैयद शाहिद हसन शाह रहमतुल्लाह की मज़ार शरीफ है। सुभान अल्लाह, जब ये तामीर होकर मुकम्मल हो जाएगी तो आप जब आके देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत मज़ार यही नज़र आएगी। कराची में और भी बहुत वली अल्लाह मौजूद हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी, दूल्हा शाह बाबा सबजवारी, यूसुफ शाह गाजी और भी बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं जैसे कि नूरी शाह बाबा, और पूरा कराची इन बड़ी हस्तियों वली अल्लाह से भरा पड़ा है क्योंकि ये वली अल्लाह ही है जो कराची की हिफाजत कर रहे हैं। जितने भी समंदरी तूफ़ान आते हैं, गैर मुल्कों से ख़तरा होता है पाकिस्तान को, कराची को, तो ये वली अल्लाह ही हैं जो कराची की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, हज़रत हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ
मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर है और इस कब्रिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है। ये आप देख रहे हैं जो लंगर खाना बनाया जा रहा है, मुसाफिर खाना भी है। ये बहुत ही बड़ा मुसाफिर खाना है। जो भी दूर दराज से ज़ायरीन आएंगे वो यहाँ पर आके क़याम करेंगे, यहाँ पर लंगर की तकसीम होगी और यहाँ पर कवाली वगैरह जो भी आप करवा सकते हैं यहाँ पर होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।